बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो मुझे बताइए कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, भूख प्यास लग रही है कि नहीं लग रही? अच्छा, मेरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे थोड़ा सा गले का मसला था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे रोज़े जो है वो फिट जा रहे हैं। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पार्सल मंगवाया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट अपने पार्सल में बताया था कि मेरे साथ बैग गैलरिया के प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ था। तो मैंने नेक्स्ट पार्सल जो है ना वो मंगवाया है। ओपन करते हैं और मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो मैंने अपनी स्किन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में स्किन का क्या हाल होता है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। वैसे भी रोज़े चल रहे हैं तो पानी कम पिया जाता है और सारा दिन पानी की कमी से जो है ना आपकी स्किन काफ़ी जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाती है, और उसी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाई थी। तो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए जी, इसको ओपन करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ऑर्डर की थी और कहाँ से ऑर्डर की थी। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना स्क्रोलिंग डाउन कर रही थी अप एंड डाउन, तो मुझे एक साइट नज़र आई थी rihanna.pk। मैं इसका लिंक जो है ना वो यहीं पे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ से मैंने जो है ना हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो मंगवाया था लॉरियल का, और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था डे क्रीम ऑर्डर की थी। अभी मैंने फ़िलहाल इनको ट्राई नहीं किया, नहीं यूज़ की। इससे पहले मैंने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर चुकी हूँ, ऑर्डनरी का मैंने यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने नूर बाजुगन काजम का जो है ना वो यूज़ किया, और एक और मैंने था यूज़ किया था चाइनी कोई साइट थी, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो उनमें से सबसे दी बेस्ट गया था ऑर्डनरी का जो हाइलुरोनिक एसिड था, वो जी bomb.com था, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद नूर बाजुगन काजम का सेकेंड नंबर पर आता है। तो अब मैंने लॉरियल का ट्राई करने लगी हूँ, मेरी दोनों बॉटल्स ख़त्म हो चुकी थी, तो अब मैंने सोचा कि न्यू ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने बाकी सारी वीडियोस जो है ना वो बनाई हुई हैं चैनल के ऊपर, अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं कि उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और हाँ जी, तो इसको मैं ओपन करती हूँ आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे इसकी जो है ना वर्थ कितनी पड़ी थी। ये मुझे पड़ा था 2100 रुपये का, 2136 का, यानी कि 2136 रुपये का मुझे ये पड़ा था हाइलुरोनिक जो है ये सीरम इसका, आई थिंक इतने का ही मुझे पड़ा था। नहीं नहीं टोटल मुझे, अच्छा मैंने दोनों चीज़ें मंगवाई थी, मुझे दोनों जो चीज़ें हैं ना ये 2136 रुपये की पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इसका पैकेजिंग कैसी है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या इंग्रेडिएंट्स अंदर शामिल है। तो ये रहा जी हमारा लॉरियल का हाइलुरोनिक सीरम, और ये क्लेम करता है कि जिसमें 1.5% जो ना हाइलुरोनिक सीरम जो ऐड है, ये स्किन को प्लम करता है, हाइड्रेट करता है, नॉरिश करता है आपकी स्किन को, और जितने भी आपकी स्किन के ऊपर जो ना खुश्की वगैरह या जो भी आपकी स्किन मुरझाई हुई है उसको जो ना वो एकदम से जो ना बूस्टअप करता है। तो चलिए जी इसको ओपन करते हैं। पैकेजिंग तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको आप ओपन करते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मेरा अपना जो ये मानना है, मैं जब भी कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना तो मैं पहले इसकी छोटी सी क्वांटिटी जो ना वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं एकदम से जो ना वो बड़ा पैकेज या बड़ा जार जो ना उसका वो नहीं मंगवाती, ताकि अगर आपकी स्किन कोई सूट करे तो आप लोग बाय करें, अगर नहीं सूट करता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया ना हो और आपका पैसा भी जो है वो बच जाए। तो इसको ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको ओपन करते हैं। एक हाथ से जो ना वीडियो बनाना और काम करना बहुत मुश्किल है, आप लोगों के लिए करती हूँ तो इसको अप्रिशिएट किया करें, सपोर्ट किया करें। चलिए जी निकालते हैं। ओ तो ये देखिए जी, इसकी ये कितने ml की, 15 ml की बॉटल है ये देखें, और काफ़ी छोटी छोटी सी साइज़ है, लेकिन ये ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि ये इसका क्या प्रोसीजर है। मैं इसको ना यहाँ पे आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ कि इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरीके से है। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी, चलिए जिसको ओपन करते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये रहा जी हमारा सीरम, और इसको हम लोग जो है ना वो निकाल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जूम करके कि इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी किस तरीके से है। ठीक है, इसको ड्रॉप करते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी रनी है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर चिपचिपाहट वगैरह है कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, काफ़ी इसकी जो है ना वो रनी है, थिकी नहीं है कि आपकी स्किन को जो है ना वो एकदम जो उसके पोर जो है ना वो क्लॉक कर दे। काफ़ी इसका अच्छा सा जो देखिए शाइनिंग कैसे स्किन में आना शुरू होगी। इसको अब्जॉर्ब करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्मेल किस तरह की है। नहीं, इसकी बिल्कुल सेंट जो है वो ज़ीरो सेंट है इसके अंदर, और ये देखिए
विदाउट फिल्टर है सारा कुछ, कुछ भी फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो मुझे तो फिलहाल ये अच्छा लग रहा है और फ़ौरन से जो है ना स्किन के अंदर अब्जॉर्ब भी हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा है, ये देखिए मैं आपको सारा दिखाती हूँ, इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं आपको फील होगा, ये देखिए। चलिए जी, मैं आप लोगों को अब इस तरह से बैक मिरर से दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ना ये इसके अंदर कोई चिपचिपाहट है, ना ही कोई ये ज़्यादा हैवी है स्किन के लिए कि आपके पोर्स को जो है वो बंद कर देगा। ये फ़ौरन से जो ना मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गया, ये देखिए कितनी फ्रेश स्किन यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोई भी फिल्टर नहीं लगा, आपको मेरे बाल जो है वो नज़र आ रहे होंगे जो कि मैंने ईद तक के लिए बढ़ाए हैं कि ईद के ऊपर जो है इंसान बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यूज़ करने में। अच्छा, ये इन्होंने ये क्लेम भी किया था जिससे मैंने सुना था कि ये क्लेम करते हैं कि ये फ़ौरन आपकी स्किन को जो है ना वो लिफ्ट अप करता है, ठीक है। आपकी स्किन जो है ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है और आपकी स्किन ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन जो है ना सांस ले रही है, ठीक है, हाइड्रेट, एकदम से हाइड्रेट होती है। इसको मैं आज से यूज़ करूँगी और आज से यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को 15 डेज़ के बाद मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग करते हैं जी बंद, और अब आप लोगों के साथ मैं दूसरी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो कि है डे क्रीम मेरी। अब वो नाइट में नहीं हम लोग लगाएंगे उसको, लेकिन मैं फिर आप लोगों के सामने फिर भी इसको चेक करवा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसी शाइन कर रही है मेरी स्किन, ये देखिए। चलिए जी, इसको हम ओपन करते हैं डे क्रीम को, और फिर मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अच्छा, रिज़ल्ट तो मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। मेरा मानना यह है कि जो भी आप वीडियो बनाएं वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी तो हम आप लोगों को जो है ना वो मिस गाइड मत करें, ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए। ऑनेस्टी का ज़माना तो नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हम ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करें। अच्छा, ये जो पैकेजिंग आपके पास आती है ना, बबल रैप जो होता है, ये आपके टाइम पास करने के लिए बेहतरीन जो है ना ये चीज़ होती है। आराम से आपका टाइम जो है ना वो किल हो जाता है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ये बबल रैप जो है ना वो मंगवा के रखें, उसके साथ खेलें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ अगेन कि पैकेजिंग जो है इसकी वो bomb.com है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और ये क्लेम करता है कि जी आपकी स्किन को प्लम करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, स्किन को स्मूथ करता है, और आपकी जो स्किन जो डिहाइड्रेट हुई है ना ये उसको हाइड्रेट करता है। और उसके बाद क्या करता है जी, मॉइस्चराइज़र भी है ये। और इसके अंदर सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो है SPF 20, ठीक है। SPF 20 आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो क्यों है। SPF 20 इसलिए है कि जी ये डब्बे में, डब्बा है डब्बे में, क्रीम बन जाएंगे हम ब्यूटी क्वीन। वाह जी वाह, देखें आप लोगों के साथ बात करते करते कैसी खूबसूरत सी राइमिंग मैंने बना ली। डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्रीम, हम बन जाएंगे ब्यूटीफुल क्वीन, ठीक है जी। तो चले जी, ये देखिए जी इसकी खूबसूरत सी पैकेजिंग, ये देखिए, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हाँ जी, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। खुल जा सिम सिम, मैं नज़र नहीं आ रही आप लोगों को। अच्छा जी, वाह, बहुत ही खूबसूरत इसकी स्मेल है, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको इसको बैक कैमरे से भी चेक करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चले, मैं आपको उसको बैक कैमरे से चेक करवाती हूँ। लेकिन मुझे तो इस क्रीम से प्यार हो गया है, हाइलोनिक सीरम से भी ज़्यादा अच्छी जो ना ये इनकी डे क्रीम है। फुल स्किन को इसने जो ना अच्छे तरीके से जो ना मॉइस्चराइज़ कर दिया मेरी स्किन को, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो इसके जो ना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अभी से बहुत एक्साइटेड होंगी। चलिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी फ्लेवर है इसका। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की अच्छा लाइट सी क्रीम है, कोई इतनी हैवी क्रीम नहीं है, फौरन अब्जॉर्ब हो गई है स्किन के अंदर। ये देखें जी, SPF 20। और मज़े की बात ये कि इसकी स्मेल इतनी को मज़ेदार है, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना। मुझे तो ना अभी से ही होल पा रहे हैं कि अभी तो ये डे क्रीम है, इसको नाइट के टाइम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको लाइव जो है ना अपने हाथों पर चेक करके बताती हूँ विदाउट फिल्टर, ठीक है। ये देखिए जी, चलें चेक करते हैं फिर। मैं इसको थोड़ी सी अमाउंट लेती हूँ इसकी, अपने हाथ पे आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं इसको अब्जॉर्ब कर रही हूँ, लाइट मेरी ना बिल्कुल ऊपर से पड़ रही है इसलिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, बस दैट्स इट। और ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर सारी जो है ना वो अब्जॉर्ब हो गई है।
शायद नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ तो बहुत ज़्यादा शाइन पड़ी है, लेकिन ये देखिए किस तरह दिखाऊँ मैं आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप ये चेक करें, ठीक है ये देखिए एकदम स्किन जो है वो शाइन करने लग पड़ी है, स्किन सारी मॉइस्चराइज हो गई है हाथ में मेरे, काफ़ी मेरे हाथ ना, अच्छा मेरी स्किन काफ़ी जो है ना वो ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, चाहे वो समर्स है चाहे वो विंटर है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो मेरे लिए ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो क्रीम होने वाली है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस स्किन के लिए जो है ना वो जो है ज़रूरी है। अगर ये आप लोग की स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सूट करेगी, लेकिन अभी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं पहले इसको यूज़ करूँगी खुद और फिर आप लोगों के साथ जो है ना अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना वो शेयर करूँगी। बिल्कुल झूठ नहीं होगा, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, ऑनेस्ट होगा। तो मैं आप लोगों को जब बताऊंगी तो ही आप लोग इसको बाय कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं, रात काफ़ी हो गई है। अच्छा इन्होंने, मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताती चलूँ कि इन्होंने क्या बताया कि आप लोगों ने इसको डे क्रीम जो है ना उसको आपने डे में ही यूज़ करना है, वो जो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सर्कुलर मूवमेंट में इसको यूज़ करना है और अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इसको यूज़ करना है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट यूज़ टुगेदर विद द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम हाइलुरॉन एक्सपर्ट। अच्छा वो कहते हैं कि इसका बेहतरीन जो है ना वो इस्तेमाल ये है कि आपको तब ये फ़ायदा देगा जब आप इसकी इसी की प्रोडक्ट को इसके साथ यूज़ करेंगे, यानी कि लॉरियल की ही प्रोडक्ट इसके साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं हाइलुरॉनिक जो है ना सीरम यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। मॉइस्चराइज करेगी, प्लम करेगी और स्मूथ करेगी, नॉरिश करेगी स्किन को और रिप्लम्पिंग करेगी, रिंकल्स ख़त्म करेगी जो आपके आई जोन के इर्द गिर्द आ जाते हैं। और इसकी जो है ना एज क्या है इसकी लिखी हुई है, 25, 35, 45, 55, 65 और 75 तक जो लेडीज़ हैं ना वो इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एज मेंशन की हुई है। टेक्सचर जो इसका लाइट वेट है बिल्कुल ट्रू है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने क्लेम किया वो बिल्कुल ठीक क्लेम किया है। और देखते हैं अब ये नॉरिश करती है, प्लम करती है, फाइन लाइन्स को दूर करती है कि नहीं करती, तो ये तो मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ अपने रिव्यूज़ जो है ना और वो शेयर करूँगी, ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करूँगी। तो मेरी आज की वीडियो इन दो प्रोडक्ट्स के बारे में ही थी। तो मेरे जो है ना पैसे पूरे हो गए, तो अब मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग भी अपने पैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी इजाज़त दे दें मुझे, अब मेरा नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया है, थोड़ी सी इबादत करते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।